बाय बाय। कोई तो खरीद ले मूली मेरी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जल्दी आजा मेरा चूल्हा जलाएगी तू, कढ़ाई जला मेरे तुम। कोई तो खरीद ले मूली मेरी। मूली खरीद लो भैया। कैसे किलो दिए मूली? फ्री फ्री, आज फ्री कल उधार, परसों लगा ब्याज, नरसों घर बिगाई। मूली घिसनी है पहले? घिसनी है। तो आज हम बनाएंगे भाई मूली नाल पराठे। मूली दे पराठे। मूली दे पराठे नाल टमाटर दी चटनी। चलो भाई मूली को छिलते हम। मूली मत बनाओ, से बदबू आती है। ये पराठे खाएगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन ढक्कन रख ले। हाँ। तो ये तोड़ना है क्या? जना मिर्चा वर्चा छीजो काटो सब। ये मूली का तोड़ना है? हाँ डंठल तोड़ेंगे। दो हम लहसुन छील लेते हैं। मेहनत तो काम करिए तो सबका तोड़ दूँ या इसको खाने के लिए रखो? यार इधर से तो किधर रखो? खाने के लिए रखना है तो रख लो। लो भाई एक मूली आएगी सलाद के लिए। टमाटर क्या कर रहा है? टमाटर धुल दूँ? सबको धुल दूँ? ये सब तो धोना ही है। मेरा क्या काम है भाई? घिसना। घिसना मूली को पहले धो। चाकू दे दो भाई। देखना भाई इतना मोटा ठीक है? हाँ। दे दो, ये तो नहीं लेना पड़ता भाई। इसको देख के तो याद आ गई राम लड्डू की। तो वही बना दे क्या? राम लड्डू के लिए दाल भिगोना पड़ता है। ना बनाने का बहाना चाहिए वो साहब को। ऐसा करो इंस्टेंट बने। दाल को पीसना पड़ेगा। क्या बात बोले बाबा। तो आज मूली के पराठे बनेंगे। बाबा कैसे बनेंगे, रेसिपी थोड़ी सी बताओ। मूली को पहले हम लोग घिस देंगे। घिसने के बाद इसका पानी निकाल देंगे। और पानी निकालने के बाद इसमें हम हरी मिर्च प्याज बारीक बारीक काट के, धनिया पत्ता और नमक बहुत कम डालेंगे। आटा में नमक थोड़ा डाल देंगे और उसके बाद पराठे बनाना शुरू कर देंगे। और चटनी किसकी बनने वाली है आज? चटनी देखो ये हरी मिर्च का, अदरक लहसुन हरी मिर्च और टमाटर दो ही डालेंगे, धनिया पत्ता बहुत डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम नमक डाल लेते हैं आटा में। हम इसी में मूली डाल के भी तो बनता है ना। हाँ। इसमें मूली डाल दूंगा तो बन जाएगा? वो कैसे बनता है? गून के, जैसे हम गून रहे। तो मसाले इसी में डाल दोगे ऊपर से डालोगी? मसाले भी इसी में डाल देते हैं सारे। हाँ, सब मसाले। तो इससे तो बढ़िया है कि जो मूली को निचोड़ उसी से गूंथो। हाँ, मम्मी पानी आएगा ना इसका। हाँ। मूली का भाई पापा ने सही याद दिलाया कि अभी जब हम मूली का पानी निकालते हैं ना तो उसके पानी से मूली के आटे को गूंथेंगे जिससे पराठा बनने वाला है ना, जिस आटे से। नॉर्मल पानी से नहीं गूंथेंगे आज। एक कपड़ा ले लो ललित भाई। यहाँ पे पापा चटनी के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। धनिया साफ कर रख लेते हैं एक बार। तो वहाँ पे ललित प्याज छील रहा है। किस लिए प्याज छीले जा रहे हैं? छील ले रहा हूँ, काट रहा हूँ सीधा। हाँ हाँ, किस लिए काटे जा रहे हैं? पराठे में डालेंगे। ओके। तो पराठे क्रिस्पी। पराठे फटेंगे नहीं ललित? बिल्कुल छोटे छोटे कटेंगे। तो आप लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि भाई पराठे फट जाते, तो हमारे ललित भाई क्या तरीका है? यही है, छोटा छोटा काटो। और क्या है? छोटा छोटा काटना है बस। इतनी सी चीज समझ गए भाई लोग, इतनी सी चीज है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम ले आए हैं एक सूती का कपड़ा। इसमें अबड़ा कड़ा अबड़ा कर देता है। हाँ। और इसमें जो हमने मूली ग्रेट करी जिसको घिसा है उसको हम डाल लेते हैं। 1 2 3 में तो भाई पूरी चले गई। मिला दी का जी, बिना नहीं रोटी रोटी जैसा लगेगा। स्वाद भी नहीं आता मेरे ख्याल से ना अंजलि भाई, मूली बाहर चिपक जाती है सारी। फिर आटा ज्यादा मांगता है।
इसको हमने देखिए इस तरीके से कर लिया। देखिए भाई अभी मैंने कुछ नहीं करा है और कितना पानी निकल रहा है देखिए। डालो डालो इसमें, फुहारे चल रहे थे। इसी पानी से हम लोग सान लेते हैं आटा। मोटा है ये तो गया। अच्छा तो फिर मैं अब काट के मैं दिखाता हूँ कि बारीक किसको बोलते हैं। देख रहे हो ना दोस्तों क्या गलती करते हैं लोग, जो खुद ही सिखाते हैं खुद ही गलती करते हैं। भाई ललित भाई आपको अपनी गलती का पता चला? यहाँ पर हमने इसको अच्छे से भाई पानी निचोड़ लिया इसका, इसको खोलते हैं। ये देखो भाई देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम ऐसे लग रहा है कि सूख सूख सा गया है ना। डाल दो उसको कटरे में। भाई मेरे हिसाब से तो भाई पराठे बनाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि कोई सब्जी नहीं बनानी पड़ती है, बस चटनी से काम हो जाता है। और भाई ठंड में तो मजा ही आ जाता है ना मम्मी। वो लगाना का कौन सा? लिट्टी चोखा वाला। लिट्टी चोखा? लिट्टी चोखा कौन सा लल्ली भाई? लिट्टी चोखा जो बोलती है लड़की। कौन सा लल्ली? कौन सा गाना है मम्मी? लिट्टी चोखा वाला इंग्लिश सॉन्ग। आप ही गा के देखो। स्टार बॉय वाला बोल रही है, वीकेंड का स्टार बॉय नहीं है? अच्छा बोलती नहीं लिट्टी चोखा? लिट्टी चोखा नहीं बोलता कुछ और बोलती है। हां कुछ और बोलता है। कैसे गाती है बताओ? बताओ लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा। मैं बैकग्राउंड में वो गाना लगा दूंगी, थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा क्या कह रही है मम्मी। आई एम लाइक अ स्टार बॉय। सुंदर लड़की है। अरे लड़का है मम्मी, लड़की नहीं है उस गाने में। चटनी के लिए सारा सामान इसी में डाल दे। धुलने के लिए धनिया चला गया, टमाटर, मिर्ची, अदरक, लहसुन सब डाल के धुल दे। और फिर सिल्वर पे आजा फटाफट से। कौन पीसेगा ललित? आपको कम लगता है क्या? वो किसी भी चीज में कम नहीं है, बस फसाना आना चाहिए। बाय बाय। आ जा चाके चेयर पे मत बैठ। देखो देखो इसको देखो इसको देखो, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बहुत बढ़िया मैडम। चलिए हाथ धुलिए जल्दी से, मसाला पीसना है। चलो भाई चटनी पीसनी है। चलिए मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जल्दी आजा मेरा चूल्हा जलाएगी तू। सपनों की रानी नौकरानी तो नहीं है? आओ गलत नहीं बोलते अंजलि भाई। चलिया तू चलिया। कढ़ाई जला मेरे तुम। पापा रख के गई थी इसलिए तो मैं साइड में रखी। जला दो मेरा हाथी। इतना भी गर्म नहीं है, उधर से पकड़ हैंडल से पकड़। है उसे बहुत गर्म है भाई। यहाँ पर हम बिठा लेते हैं कढ़ाई और यहाँ पर हम डालेंगे सरसों का तेल। कमी डालियो, थोड़ा और डाल बस। यहाँ पर सरसों का तेल डाल लिया है, थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया, इसमें प्याज डाल लेते हैं। कहाँ तेल गर्म हुआ है? मैं क्या करूँ भाई, मुझे धुआं लग रहा है। चल हट, मैं आ गई। छोड़ दो, मैं बनाऊंगा। मिस्त्री लोगों के पास गई थी, पापा भी गए, वो ले रहे दरवाजा खिड़की। चल हट 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 हट, मैं बनाऊंगा। आप चटनी पीसो, जाओ बना ले। तो बना लेगा चटनी, आज मिक्सी में पीस दे। नहीं चूल्हे में ही पीसेंगे वो। ओ चूल्हे? हाँ नहीं नहीं चूल्हे पीसो, जो जो मिक्सी में पीस दे। हट, प्याज बन गया भाई। देखियो यार, नहीं कितना टाइम लगेगा अभी? एक मिनट और। मम्मी देखो भर भर के ये भूसा डाल रहा है। रहा है भाई चूल्हा, मैं क्या करूं? हाँ जली नहीं रही है मम्मी, ये पता नहीं कैसे बनाते हो यार। पीछे पूरी आग निकल रही है। पूरे 24 घंटा चैलेंज करूंगी। अजी भाई प्याज हो गया? हाँ भाई हो गया। मूली भी डाल लेते हैं भाई। डालिए जल्दी से, लानी तो जल जाएगा।
लक्की के स्पेशल मूली के पराठे भाई फेमस कर देना भाई यूट्यूब पे, लक्की के फेमस मूली के पराठे। आज सभी आ रहे हैं। क्या बात है भाई आज का यार, अभी तो पापा गए थे, मम्मी भी चली गई दोबारा। ललित भाई आपको भी कोई बुला रहा तो चले जाओ भाई, पता चले कोई अमेजोन से पार्सल वार्सल आ जाए यार। अब मसाले डाल दे के करके सारे डाल लो अंजलि भाई। हाँ चलेगा, पूरा डाल दे तू, कम कर, 1/4 कर उसका। हाँ डाल दे, हाँ डाल। ठीक है भाई, ये होगी हमारी लाल मिर्च है और हल्दी, बस और हल्दी कुछ से भी कम। ठीक है हाँ, ये हुई हमारी हल्दी। क्या धनिया पाउडर नहीं डालना है? नहीं सब्जी नहीं बना रहे हैं, बस नमक तो फिर भी इतना ही चलेगा ना। नमक और कम ही डाल नमक, हम नहीं तो पानी छोड़ देगा वैसे भी। इतना ही ठीक है, तो चलिए इसको हम अच्छे से चला लेते हैं। आटे में तो डाला ही था ना नमक? आटे में तो डाला ही है। अब इसको अच्छे से भून लेंगे, इसकी बिल्कुल जितनी भी नमी होती है सब खत्म करनी है। क्या खत्म करनी है? अंदर का पानी खत्म करना है भाई। कैसा लग रहा है? हमसे ना हो पाए। कोई नहीं, सिर्फ मसाला ही बनाना है, अब इसको भूनना और कुछ नहीं करना। और भैया कैसे हो? जलना मत भैया, बस रुला दिया यार। इस वीडियो की शुरुआत तो सभी ने की थी और एक एक करके सब चले गए। तुम भी चले जाओ भाई, मैं मेरे काम से बस मैं और लक्की रह गए। दोस्तों आज ही मैं जल गया, रे जल गया जल गया, रुको रुको रुको। सिर्फ मैं और लक्की हैं, ललित भी गया, अभी टाइल्स वाले भैया आ गए, इससे पहले गेट वाले आए थे, फिर पाइप वाले आ गए भाई। बस क्या बताए यार, इसीलिए वीडियो नहीं बनाते यार हम लोग। भूसी मार, भूसा मार मार के तूने पूरे चूल्हे की बैंड बजा दी है। भूचे से तो मेरा चूल्हा जल रहा है। हाँ लकड़ी से तो कुछ हो नहीं रहा। दिल को एक चाकू दे और अब मिर्ची के डंठल को तोड़ेंगे। अरे भाई हो गया ना मेरे ख्याल से, एक बार उठा के दिखा मुझे। हाँ हो गया है। चल भाई हो गया, फिर चलो डिबे अपनी बना के लड़ला, रोटी बना ऐसी खा लेंगे आटा, पराठे पराठे मत बना। टमाटर को चार हिस्सों में काट लेते हैं और फिर इसको चटनी पीसेंगे तो आसानी होगी। चलो तो मैं पीस रहा हूँ, इधर आ जा। पर अभी पहले मैं पीस लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। हो गया तो अपने भरोसे, नहीं हुआ तो लग की जाए। अंजलि भाई तो अभी ये सब चीज़ें आ गई हैं, पर मैं एक एक करके चीज़ें पीसूंगा, नहीं तो एक साथ सारी चीज़ें नहीं पीस पाएंगी। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले मैं टमाटर को पीसता हूँ। टमाटर को ऐसे कर लेता हूँ ताकि ये हो जाए, और अब इसको पहले हम कुचलेंगे थोड़ा। अब ललित भाई पीस लेंगे तो आपको दिखाएंगे। और ललित जी क्या हो गया, हालत खस्ती हो गई? पीस रहा है भाई, गिर रहा है सब पे, कुछ नहीं रहा है, गिर रहा है। अरे ललित तू मिक्सी में पीस ले भाई, मिक्सी में पीस ले, मिक्सी में, मिक्सी में पीस ले भाई। अब तो पीस गया तो अब क्या? हाँ, हाँ, पीस, पीस, पीस। तो अरे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मम्मी ने इसमें थोड़ा सा प्याज डाल दिया और फीलिंग पूरी ठंडी हो चुकी है। और भाई मम्मी आ चुकी है फॉर्म में, है मम्मी। अब बनेंगे गर्मा गर्म मूली के पराठे। और यहाँ पर अंजलि जी ने कमान पकड़ते हुए, मम्मी कैसे बनाते बताओ मम्मी एक बार। ये बहुत आसान है, इस तरीके से गोल कर लिए, भर दिए। अच्छा इतना आसान है? हाँ, थोड़ा ली, आना कम कम ही भरे, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों मम्मी कम कम क्यों भरेंगे, ज्यादा तो नहीं भरोगे? नहीं ज्यादा भरना है तो थोड़ा सा फटाफट बनेगा। अच्छा हाँ। फटे फटे ही अच्छे लगते हैं मम्मी, मूली का पराठा ना अच्छा लगता है फटा ही, उसमें तेल चला जाता है ना अंदर तक। इस तरीके से बेलन से बेल ले, इतने बड़े बड़े और थोड़ा छोटा कर। देखा मुझे अंदाजा है ना मम्मी सब चीज का। तो ये देखिए जो पराठे है ना, तवा गरम है, डाल लेते हैं, मैं बेल दूंगी। और यहाँ पर हमारी सिस्टर द बहन, सिस्टर द बहन तो क्या लिली आना, वो मेरी टिकट बुक कर रहा है। टिकट बुक कर रहा है किस लिए अंजलि भाई? घूमी घूमी जा रही हो? मैं भी चलूंगा। नहीं मैं भी चलूंगा अंजलि भाई, मम्मी मेरे को नहीं लेके जाएगी मम्मी, ये मम्मी आप भी चलना। नहीं सिर्फ मैं जाऊंगी। क्यों? मेरे को घूमना है।
देख रहे हो मम्मी। चलो घूमेंगे बाद में, मेरे मूली के पराठे पैक कर लेते हैं। भाई मूली के पराठे तो क्लास में एक ही बात याद आती थी। और कम भरो, और कम। और हम इसको पलट पलट के पका ले रहे हैं। आप चाहें तो उस पर सरसों का तेल, घी, बटर, मक्खन कुछ भी लगा सकते हैं ना मम्मी। जो मन करे, जो मन करे। यहाँ पर हम लगा लेते हैं सरसों का तेल ना मम्मी। प्योर सरसों का तेल, गर्मा गर्म पराठे। अब इसको अच्छा से करारा होने देंगे। जी भाई, पराठे किसके बड़े लगते, सरसों के तेल की घी? सरसों के तेल की आदत हो गई मुझे तो। लेकिन ऊपर से घी लगा के देंगे तो खा सकते। अच्छा, हट। ओके मम्मी, मम्मी चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी दो, जल्दी जल्दी दो मुझे गरम गरम। अभी पकने दो। पकेंगे अभी? और कितना टाइम लगेगा बनने में सारा? दो चार मिनट। सारा दो में, चार मिनट में ही? हाँ, हर किसी को दो चार मिनट लगेंगे। हर किसी को, पराठे को। दो चार दिन सैया ठहर जैतिया, और दो चार दिन मिनट सैया ठहर जैतिया। सुना नहीं लेकिन गा जरूर देगा वो गाना मम्मी। तो मम्मी के लिए कुछ भी भाई। तो करारे पराठे को हम निकाल निकाल के रख लेंगे, सब बना लेंगे। मम्मी फटाफट बनाओ। और मम्मी एकदम फूले फूले, करारे करारे, बढ़िया बढ़िया मूली के पराठे खाएंगे हम लोग आज, है ना अंजलि भाई। ललित भाई, तो ललित भाई कितने पराठे खाओगे आज? खाएंगे चार पांच तो खाएंगे। चार पांच तो खा ही लेंगे भाई। मम्मी आप कितने खाओगे आज पराठे? ज्यादा नहीं, तीन चार। देखिए भाई अंजलि भाई, आप सूंघ लेंगे तो हो जाएगा। अंजलि भाई तो चले दोस्तों, बन जाता है, फिर हम आपको मिलते हैं। हम कुछ मिर्ची तोड़ लेते हैं, छोटी छोटी हुई है देख सकते हैं आप, चिन्नी चिन्नी सी। मैंने पत्ता तोड़ दिया यार। देख रहे हैं ऐसी मिर्चियां तोड़ ले रहे हैं हम। इनको हम खाएंगे पराठे के साथ। को धुल लेते हैं यहीं पे। तो मिर्ची हम भून लेते हैं, बीच में से ऐसे फाड़ फाड़ के डाल देंगे। तो भाई हमारे बन गए हैं पराठे गर्मा गर्म। और भाई तीखी तीखी मिर्चियां और साथ में चटनी कम। अंजलि भाई, बड़ी तीखी बनाई, इसमें बहुत मिर्ची डाली है, एकदम तीखी वाली चटनी। सबको पराठे करारे कर करके दे रही हूं। भाई पहले सबके सर्व हो जाएं, निकालो भाई प्लेट में। तो भाई गर्मा गर्म पराठे और हरी टमाटर और धनिया की चटनी आ गई है प्लेट में, और अब जाएगी पेट में। हरी टमाटर की चटनी, हरी धनिया की, हरी टमाटर की चटनी बहुत बढ़िया बनती है, कहीं भूल रही है। दोस्तों करारा करारा मैं पराठा करके देते जा रही हूँ, और मैं अपने लिए भी प्लेट तैयार कर ली हूँ। तो जल्दी आ जाइए, नहीं तो मूली के पराठे चला जाएगा पेट में और फिर नहीं मिलेगा प्लेट में। तो करारे हो रहे हैं और पेट में जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों को खिला दिया जाए ललित भाई ने एकदम सही बात बोली है भाई। बच्चों को पता नहीं चलता। मम्मी आप भी खा लो भाई। मैं तो खाऊंगी, इधर मैं करारा कर रही हूँ चूल्हे पे ही अभी है। और सारा बनाने के बाद ना, जब करारा करके खाने का जो मजा है ना दोस्तों, पूछिए मत, सुभान अल्लाह। दही हो तो पूछो ही मत। आज दही नहीं थी, काम चटनी से ही काम चला लेंगे। पर हमारे पास है अंजलि भाई दूध। तो चटनी लगा के ऐसे खाइए, बड़ा मजा आता है। ये देखिए, चखिए भाई, चटनी पूरी तीखी हुई है, जो पराठे एकदम करारे है चटनी के साथ। मैंने थोड़ी ज्यादा मिर्ची पीस दी थी उसके लिए, और ज्यादा बढ़िया तीखा हो गया ना, चटपटा हो गया। आज का चटनी ललित बनाया है। पापा कैसे रहा दिन? सारा काम हो गया, सारा गेट उठ आ गया,
गेट आ गया? सब काम हो गया, सब काम हो गया है दोस्तों। हम भी नहीं थे, लाला जी भी नहीं थे, तो आप लोगों की दुआ से सारा काम कुशल मंगल है। अनंजलि भाई, तो दोस्तों आपको बताना है कि आपको कैसे लगते हैं मूली के पराठे, या आपको कौन से पराठे सबसे ज्यादा पसंद है, तो कमेंट में लिख के बताइएगा। और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और भाई ठंड में सबसे बढ़िया क्या लगता है, पराठे की गाजर का हलवा बता देना भाई कमेंट में। तो सब कुछ, पराठे गोभी के पराठे, मूली के पराठे, गाजर के पराठे, पालक के पराठे, हलवा भी। मम्मी गाजर का हलवा कब बना रहे हो फिर? अब बनाएंगे, बनाएंगे ना। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। खाते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें मेरे हाथ के स्वाद चैनल को, और सब्सक्राइब करना ना भूले।